अस्सलाम वालेकुम, दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग इज़ अबाउट द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को अगर आप देखो तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले क्या कुछ ख़त्म किया हुआ है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिमांड फंक्शन, तो डिमांड के अंदर वी हैव गॉन थ्रू डिमांड कर्व क्या है, डिमांड क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, और फिर शिफ्ट्स, ठीक है, इन डिमांड, और फिर हमने वी टॉक्ड अबाउट द स्लोप ऑफ डिमांड, ठीक है जी, और कुछ इस तरह की चीज़ें हमने वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। आज की क्लास के अंदर वी विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटी, राइट। और एक कॉन्सेप्ट हमारा इलास्टिसिटी का है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। ये सारे इलास्टिसिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं सॉरी, डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसके अलावा हम इसके साथ ही हम बात करेंगे इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर ठीक है। तो दिस विल और फिर इसके साथ इलास्टिसिटी का जो फर्दर कॉन्सेप्ट है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इलास्टिसिटी। तो ये लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग आई एम टेलिंग इट अगेन, आई एम डूइंग इट अगेन। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज बेसिकली द लेवल, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि हाउ मच वन वेरिएबल रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस ऑफ द अदर वेरिएबल। व्हाट स्पेशल अबाउट इलास्टिसिटी इज दैट इफ यू कंपेयर इट विद द डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन, ये जो इलास्टिसिटी है ये डिमांड फंक्शन से ही आती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं इसे। ओके, तो डिमांड फंक्शन जो है उसकी अगर मैं स्लोप की बात करूँ, डिमांड फंक्शन की स्लोप क्या चीज होती है, वो होती है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। डेल्टा क्यू कौन सा, इसका मतलब क्या होता है कि हाउ मच डिमांड क्वांटिटी डिमांड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन प्राइस। तो अगर सपोज करें कि आपके पास मैं कुछ पॉइंट्स लेती हूँ पी के और क्यू के, ठीक है जी, और आपके पास है ये जैसे जीरो जीरो टेन जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और ये है फिफ्टी फोर्टी थर्टी ट्वेंटी टेन और यहाँ पे हम 50 ले लेते हैं और ये जीरो ले लेते हैं। सपोज करें आई हैव दिस डेटा एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग टू द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंजेस इन प्राइसेस। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि लेट्स से ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं ए कह देती हूँ, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा सी है और ये पॉइंट मेरा डी एंड देन इट इज ई एंड दैट इज एफ। ओके, और अगर मैं इस सारे डेटा को इसकी ग्राफिंग करूँ तो आई विल हैव समथिंग, यू नो, ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे कर लें एंड लेट्स हैव दिस लाइन, सो आई विल हैव दिस लाइन एंड देन आई विल हैव अनदर लाइन, ठीक है। और डिमांड का फंक्शन का ग्राफ जो है वो मैं इधर डायरेक्ट बना लेती हूँ, फिर मैं इसकी लेबलिंग कर लेती हूँ। तो लेट्स से ये आपका डिमांड का फंक्शन बन गया, यहाँ पर आपके पास है क्यू डी और यहाँ पर आपके पास है पी, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जिसपे क्वांटिटी डिमांड जीरो है, तो ये बेसिकली 50 प्राइस है, ये वाला पॉइंट एफ पॉइंट 50 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड जीरो है। 40 के ऊपर क्या है, ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये है वो क्वांटिटी जहाँ पे प्राइस जीरो है, तो कौन सी, व्हेन प्राइस वाज जीरो तो क्वांटिटी डिमांड इज 50, यहाँ से देखें तो ये 50 है, ठीक है जी। और उसके बाद जब प्राइस, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 10 20 30 40 50 10 20 30 40 एंड 50 और ये भी क्या है 10 20 30 40 एंड 50। तो अब ये ज़रा आप इसकी अगर लाइंस बनाएं तो व्हाट यू विल सी, ये देखें कि ये आपकी मैं हाथ से ऐसी बना लेती हूँ 10 ओके सपोज बनाते हैं
ये आ गया, ठीक है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज प्राइस 50 एंड कमोडिटी डिमांड 0, ये पॉइंट एफ है। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये फिर बी होगा, ये सी है, ये डी है, ये ई है। सो वी हैव गॉट ऑल दीज पॉइंट्स राइट। और इसमें स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है कि जब आपकी प्राइस चेंज हो रही है तो कितना रिस्पॉन्ड आ रहा है सो उसके ऊपर क्वांटिटी डिमांड पे। तो अगर देखो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, सो दैट हैज टू बी टू पॉइंट्स। सपोज करो कि वी द कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मूव करने का मतलब क्या है कि पहले मार्केट प्राइस ऑफर कर रही थी जीरो और फिर अगर प्राइस जो है वो 10 हो जाती है तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स वील हैव फ्रॉम द कंज्यूमर। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी चेंज इन पी, बी जो है ना वो फाइनल पॉइंट है फाइनल, और आई जो है ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है। तो हमेशा चेंजेस जो होती है ना वो फाइनल पॉइंट यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द इनिशियल पॉइंट। इसी तरह से प्राइस ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस प्राइस ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो अगर आप देखो तो क्वांटिटी डिमांड 40 एंड देन 50, 40 इज द फाइनल पॉइंट जहां पे वो मूव किया है और 50 इज द इनिशियल पॉइंट। और प्राइसेस में अगर देखो तो 10 माइनस 0 क्या जवाब आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 बाय 10 इक्वल्स टू 1। ओके तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्लोप है। स्लोप का मतलब है हाउ मच क्वांटिटी डिमांड इज चेंजिंग इफ अ कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा अब इसी तरह से हम बी टू सी, सी टू डी, ई सब निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यही चेंज जो है ना किसी और टर्म में निकालना चाहूँ एंड आई वुड कॉल इट, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, अगर वो बी से सी पे मूव करता है, इफ द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम बी टू सी, तो व्हाट यू विल हैव अगेन, यू विल हैव सेम स्टोरी कि आपने चेंज इन तो वही आपका जो चेंज इन क्या होगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, तो वो होगा बी से सी, सी 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 बाय 10 विच इज इक्वल टू 1। तो स्लोप रिमेन्स सेम, वाई, बिकॉज दिस इज अ लीनियर डिमांड फंक्शन। कोई भी लीनियर फंक्शन जो होता है उसकी स्लोप कॉन्स्टेंट होती है। अब इसी से अगर आप इलास्टिसिटी निकालो, इलास्टिसिटी है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है, वो बेसिकली डिस्क्राइब करती है, हम इलास्टिसिटी का सिंबल होता है, ये इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी ये होती है इलास्टिसिटी, ऐसे लिखते हैं। और क्योंकि प्राइस के चेंज के साथ ले रहे इसलिए नीचे प्राइस, क्योंकि डिमांड किया तो इसे डी। तो ये होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो इसमें स्लोप में और इलास्टिसिटी में क्या फर्क है, सिर्फ इलास्टिसिटी का फर्क है, लेकिन फार्मूले में बहुत फर्क हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को खोलती हूँ फार्मूले के हिसाब से तो वो डेल्टा क्यू डी ओवर क्यू डी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये किसके बराबर होता है, ये चीज है परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस को खोलेंगे तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इन टू 100, इसमें से 100 और 100 कैंसिल हो गया और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी ओवर क्यू डी, और ये चीज उल्टी हो जाएगी इधर जाके तो पी ओवर डेल्टा पी, और बेसिकली हम इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सो अगर आप कंपेयर करो स्लोप को तो स्लोप है डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी, और इलास्टिसिटी क्या है उसके अंदर ये स्लोप वाला पार्ट भी आ रहा है डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी, और पी बाई क्यू एक दूसरा पार्ट है, और पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट एट विच वी आर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। हाउ मेनी पॉइंट डू आई हैव, आई हैव पॉइंट फ्रॉम ए टू एफ, हर पॉइंट के ऊपर पी क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए क्योंकि इलास्टिसिटी में पॉइंट शामिल है तो हर पॉइंट की इलास्टिसिटी फर्क है एंड वी कैन कैलकुलेट दैट इलास्टिसिटी टू। तो लेट्स से अगर मैं इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो वट आई हैव, इसको मैं देख लेते हैं यहाँ पे से। तो अगर सपोज करो कि मैं ए से बी के पर इलास्टिसिटी, पहले हमने ए से बी पे स्लोप की थी ना, अब हम इलास्टिसिटी करते हैं, इलास्टिसिटी फ्रॉम ए टू बी। आपको पता है कि ए टू बी अगर आप या आपने किया है तो इलास्टिसिटी जो है प्राइस इलास्टिसिटी वो है डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो अब ए टू बी मूव कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ये देखो ए से बी तो बी फाइनल पॉइंट है और ए टर्म इनिशियल पॉइंट है, तो हम बी माइनस की बी की वैल्यूज क्या है, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बी पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी जो है वो हमारे पास 40 है और ए पॉइंट पे 50 है, तो हम करेंगे 40 माइनस 50 क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है कि वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, ये वाला मूवमेंट है। तो 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाय प्राइसेस क्या है 10 माइनस 0,
टेन माइनस जीरो, ये तो हमारा चेंज इन क्यू और चेंज इन पी हो गया। अब पी ऑफ क्यू, पी का मतलब है प्राइस का वैल्यू और क्यू का मतलब है क्वांटिटी की वैल्यू। नाउ वी हैव टू पॉइंट्स, ए की भी वैल्यू है और हमारे पास बी की भी वैल्यू है, तो हम जनरली जो है वो लेते हैं पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होता है। तो इसका मतलब है कि लेट्स से हम इनिशियल पॉइंट को लेते हैं, इनिशियल पॉइंट है हमारा पॉइंट ए, तो ए पॉइंट की प्राइस क्या है, उसकी प्राइस है जी जीरो, और ए पॉइंट ए उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है जी 50। अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ना, इसका आंसर आ जाएगा जीरो, क्योंकि ये 10/10 आएगा, 0 × 50, ये आ जाएगा जीरो। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू है जीरो। ठीक है, अब मैं दूसरी किसी वैल्यू के दूसरी किसी उसके ऊपर कैलकुलेट करती हूँ इलास्टिसिटी की वैल्यू, और वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, सपोज करो यहाँ पे, ताकि थोड़ा सामने से नजर आ जाए। मैं अब कर रही हूँ बी टू सी, ठीक है जी। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, सी मेरा फाइनल पॉइंट है, तो 30 सी के ऊपर है जी, 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10, और बी से सी पे मूव कर रहे, तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, बी था, तो हम बी की वैल्यूज को डालेंगे, और बी की वैल्यूज क्या है, क्वांटिटी पी जो है वो है हमारी 10 और क्वांटिटी है 40, तो ये आ जाएगा 10/40। सो बेसिकली क्या बना, 10/10 × 10/40, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और आंसर आया 0.25। सो देखो वहां पे जीरो थी और यहाँ पर है 0.25। सो बेसिकली इसके हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी चेंज होगी। आपने क्या करना होगा, आपने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। इलास्टिसिटी क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड स्लोप एट ईच पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिमांड फंक्शन, और दूसरा पार्ट है फाइंड इलास्टिसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ डिमांड फंक्शन। तो ये आपने जो है एक छोटा सा होमवर्क प्रैक्टिस करनी है, और ये आपका जो क्विज बनेगा वो उसमें से ऑलमोस्ट इसी तरह का जो है, इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे, तो ये आपने खुद करना है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। फर्दर मोर आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, कि जब आप ये इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। तीन कैटेगरीज होती है इलास्टिसिटी की। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक रेशियो है, तो रेशियो जो है वो जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन वन भी आ सकता है, वो इक्वल्स टू वन भी आ सकता है, और लेस देन वन भी आ सकता है। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है तो हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड, क्योंकि हम इलास्टिसिटी किसकी कर रहे होते हैं, इलास्टिसिटी हम डिमांड फंक्शन की करते हैं, इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और इसे कहते हैं इन इलास्टिक। ठीक है, ये इन इलास्टिक, तो इन इलास्टिक का ये मतलब है। इसके अलावा जीरो भी हो सकती है, इसको कहते हैं जीरो इलास्टिक, और इसके अलावा इन्फिनिटी हो सकती है, उसे कहते हैं इन्फिनाइटली इलास्टिक, इलास्टिक। ठीक है, इसको इसको जो है अगर आप डिमांड फंक्शन बनाओ तो ये वैल्यूज किस तरह मिलती है, यहाँ पर आपके पास क्यू डी है, यहाँ पर पी है, लीनियर डिमांड फंक्शन है जिसपे स्लोप कॉन्स्टेंट है, लेकिन खास बात क्या है, इसके मिडिल पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो होती है वन होती है, इसके ऊपर के सारे पोर्शन में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होती है, इसके नीचे के पोर्शन में इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है, यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है ना उसकी वैल्यू जीरो होती है। और ये जितनी भी इलास्टिसिटीज हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी हमेशा एक नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि चेंज इन क्यू और पी जो है आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है, तो ये हम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू सी द इंटेंसिटी ऑफ द चेंजेस, नॉट द डायरेक्शन, वी नो द डायरेक्शन इट इज नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है, तो लेट्स सी व्हाई प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। इट डिपेंड्स अपॉन कमोडिटी, व्हाट इज दैट मीनिंग,
मीनिंग इज कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सपोज करो कि किसी चीज की जो है प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, ठीक है। इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड होने का मतलब ये होता है कि आपका जो क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्स है ना वो डिक्रीज जो है ना, यानी कि डिक्रीज वो बहुत लेस है। इसका क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस जो मर्जी इंक्रीज कर जाए, आपने उसको खरीदना, यू वुड नॉट रिस्पॉन्ड बाय डिक्रीजिंग इट बाय अ ह्यूज अमाउंट। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? जनरली ड्रग्स यानी मेडिसिन जो होती हैं या फूड आइटम जो नेसेसिटीज होती हैं, वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो इफ द इलास्टिसिटी ऑफ समथिंग इज कमिंग एज लेस देन 1, दैट मीन्स इट इज अ नेसेसिटी। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आए तो वो कौन सी कमोडिटी, अगर ये नेसेसिटी है तो ये होंगी लग्जरीज। लग्जरीज कौन सी कमोडिटीज होती हैं? दीज आर द कमोडिटीज विदाउट विच यू कैन सर्वाइव एंड देयर इज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड दे जस्ट ऐड इनटू योर कंफर्ट। बट नेसेसरीज आर दोज थिंग्स विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव, लाइक फूड आइटम, लाइक ड्रग्स, मेडिसिन और इस तरह की जो चीज़ें। तो ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ के बंद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड मैंने किया है ताकि मैं आपको जो डिमांड के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं सो दैट आई कैन हैव यू नो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता सकूँ। सो फार वी हैव डन इट मेनी टाइम्स बट रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने अपलोड नहीं की है, सो आई होप दैट इट विल बेनिफिट यू। तो हमने जो किया हुआ काम, ये मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग पहले की है बट सम हाउ रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो आई वॉज कंसर्न कि ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, चेक कर लेती हूँ। ओके जी, तो इलास्टिसिटी हो गई। इसके बाद है अब एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन करनी है कि ये देखें कि जैसे ये है जनाब प्राइस और ये है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मैं एक ग्राफ बनाती हूँ आपके सामने, ये रहा, ठीक है जी। और एक और मैं आपके सामने बनाती हूँ, एंड क्या फ़र्क है दोनों में? स्लोप का फ़र्क है, ये फ्लैट है, ये स्टीप है। इसकी इसमें डी पी बाई डी क्यू जो है वो लो है, कम है, और इसमें डी पी बाई डी क्यू जो है वो हाई है। ये स्टीप है, ये वाला स्टीप है, ये स्टीप है, और ये वाला फ्लैट है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सपोज करो मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ पर ए, एंड आई मूव लेट्स से सर्टेन अमाउंट, यहाँ से ए से हम मूव करते हैं बी पर, ठीक है। तो यहाँ से ए पॉइंट है और सपोज करें कि इतना लाइन इतनी सही सीधी नहीं लग रही लाइन, इस तरह करते हैं। सपोज करो ये एक लाइन है, ये एक प्राइस लाइन है, ठीक है, और एक और प्राइस लाइन, ओके। क्या मैंने किया कि मैं आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन दिस डिमांड फंक्शन एंड पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द अदर डिमांड फंक्शन। मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी का मतलब है कि लेट्स से ये मेरी कोई प्राइस थी पी वन और ये प्राइस है पी टू, सो आई एक्चुअली हैव रिड्यूस द प्राइस पी वन से पी वन पी टू से चली गई। और वाई आई मेड दिस होल लाइन स्ट्रेट ऑल द वे टू द फर्स्ट ग्राफ टू अनदर ग्राफ, क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने प्राइस को जो रिड्यूस किया है वो इक्वल अमाउंट से किया है। आई हैव मेड द रिडक्शन बाय प्राइसेज बाय इक्वल अमाउंट इन बोथ द केसेज वेन आई हैव अ फ्लैट डिमांड फंक्शन एंड अ स्टीप डिमांड फंक्शन। और मैं क्या देखना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि प्राइस के डिक्रीज करने से डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगी। तो व्हाट इज द रिस्पांस वंस आई टॉक अबाउट द फ्लैट कर्व एंड वंस आई टॉक अबाउट द यू नो स्टीप कर्व। तो देखो, प्राइस जो है पहले कंज्यूमर जो है वो इस प्राइस पे डिमांड कर रहा था और वो कितना कर रहा था, लेट्स से इसको कह दो क्यू वन।
इसी तरह से यहाँ पी वन पे भी वही वॉज डिमांडिंग क्यू वन. प्राइस रिड्यूस बाय लेट्स से ये एक यूनिट डिक्रीज हुई है इसमें, और कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हुई है यहाँ से यहाँ तक क्यू टू तक. और इसमें बात करें तो यहाँ पे भी वन यूनिट प्राइस पे रिडक्शन है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज देखो कितना है, इतना. तो रिस्पॉन्स दोनों में फर्क है. क्यों फर्क है? क्योंकि इनकी स्लोप्स फर्क है. और स्लोप करने स्लोप क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? स्लोप कंज्यूमर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है. हाउ कंज्यूमर बिहेव रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन प्राइस. इन दिस सिचुएशन द रिस्पॉन्स इज वेरी हाई, ओके, एंड इन दिस सिचुएशन रिस्पॉन्स इज वेरी लो. आपने प्राइस को एक ही बराबर डिक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पे ए टू बी मूव करने का मतलब है अ ह्यूज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वेयर इन दिस केस इज जस्ट स्मॉल अमाउंट इंक्रीज. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें रिस्पॉन्स जो है वो है लेस हाई, और इसमें रिस्पॉन्स जो है वो है वेरी लो. तो क्या फर्क है? हाई रिस्पांस को हम किस चीज से मेजर करते हैं? इलास्टिसिटी से. तो मतलब क्या नजर आया कि अगर फ्लैट कर्व है जिसकी स्लोप कम है तो इसमें इलास्टिसिटी कैसी है? हाई. स्लोप मतलब स्लोप जहां पर कम है, जहां पर स्लोप कम है किसकी? डिमांड की, वहां पे रिस्पांस है हाई. और जहां पर रिस्पांस लो है, जहां पर स्लोप हाई है वहां पर जो है रिस्पॉन्स लो है. तो एक चीज तो हमने यहां से कंक्लूड कर ली कि स्लोप और इलास्टिसिटी ऑपोजिट है. फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व लोअर द इलास्टिसिटी. एक तो ये चीज हो गई. दूसरी चीज ये हो गई कि अगर आप देखो कि अगर मैं इस वाले पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए के ऊपर प्राइस है पी वन और क्वांटिटी है क्यू वन. अगर मैं P1 को Q1 से मल्टीप्लाई कर दूं, P1 और Q1, तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एरिया कौन सा आता है? वो ये आता है. अब P1 into Q1 है क्या? P1 into Q1 का मतलब है what is the price the consumer is facing and how much quantity of commodity he is buying. तो अगर मैं prices को quantity buy से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर यानी कितने पैसे खर्च किया आपने. तो सपोज अगर आपकी प्राइस थी 10 और आपने 2 यूनिट खरीदे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 10 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 200 एंड सो ऑन. इसी तरह से प्राइस टाइम क्वांटिटीज ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द टोटल एक्सपेंडिचर. तो लुक एट दिस एरिया, ये जो है ये वाली चीज, ये है टोटल एक्सपेंडिचर एट पॉइंट ए. पॉइंट बी पे टोटल एक्सपेंडिचर देखो कि ये है पी टू इंटू क्यू टू. तो ये जो ये वाली है ना, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये जो रेड वाला है ना हिस्सा, ये वाला जो एरिया है ये शो करता है टोटल एक्सपेंडिचर एट पॉइंट बी, और ये जो काला वाला एरिया है ना ये शो करता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पॉइंट ए. ठीक है जी. अब आप देखो कि जब पॉइंट इसी तरह से यहाँ पे भी टोटल एक्सपेंडिचर ए के लिए तो ये काला वाला एरिया है, और इसके लिए जो है ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, ट्राइंगल रेक्टेंगल बन रहा है. अब आप एक चीज नोटिस करो कि टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज क्या आया है. टोटल एक्सपेंडिचर में जो है चेंज ये आया है कि अगर मैं ए पॉइंट ए के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर देखूं तो वो मेरा ये वाला रेक्टेंगल है. ठीक है जी. तो जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करते हैं तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर का जो रेक्टेंगल वाला एरिया है ये पूरा, इसमें से जो अब जो दूसरा वाला रेड वाला है तो आई कैन से कि ये वाला जो पार्ट है ये रिड्यूस हुआ है. ये वाला पार्ट रिड्यूस हुआ है क्योंकि देखो ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर ये रेक्टेंगल है, ये वाला, ठीक है, और दूसरा वाला टोटल एक्सपेंडिचर ये वाला रेक्टेंगल है. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगी वेल आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, कितना चेंज आया है? तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला इंक्रीज हुआ है. तो इस रेक्टेंगल में इसको कह दो रेक्टेंगल ओ ए, इसको तो आप कह दो ए प्राइम और क्यू वन. ओ ए पी ओ ये वाला ओ ए प्राइम ए क्यू वन एक रेक्टेंगल का एरिया है, और ए ओ इसको बी प्राइम कह दो, बी प्राइम बी और क्यू टू एक रेक्टेंगल एरिया है. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू सी के व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी दिस हाउ मच द चेंज इन एरिया हैज टेकन प्लेस इन दिस एरिया एक्चुअली रिप्रेजेंटेड पी टाइम्स क्यू विच इज द टोटल एक्सपेंडिचर. तो कितना चेंज आया है? तो चेंज क्या है जनाब कि रिडक्शन, एक कुछ हिस्सा कम हो गया, कुछ हिस्सा ज्यादा हो गया. कम कितना हुआ है? ये जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये वाला पार्ट जो है निकल गया और ये वाला पार्ट जो है वो ऐड हो गया, और ये वाला जो बाकी ये वाला हिस्सा है सादा वाला, ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और उसमें भी है. तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों एरियाज को, नंबर हो तो ज्यादा अच्छा कंपेयर हो जाएगा, वैसे ग्राफ पे भी हो जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग एरिया है वो ज्यादा है और डिक्रीजिंग एरिया कम है. तो बेसिकली एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है. तो मैं कह सकती हूँ कि इफ आई मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक्चुअली टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा इंक्रीज हुआ है. कैसे? व्हेन प्राइस हैज गॉन डाउन. प्राइस कम हुई
तो एक्सपेंडिचर चेंज हुआ और एक्सपेंडिचर कम जितना हुआ उससे ज्यादा इंक्रीज हो गया। इस केस में चेक करो कि अगर आपका रिडक्शन एरिया जो है, मैं वर्टिकल लाइन से शो करूं तो ये रिडक्शन एरिया है, ठीक है, और इंक्रीमेंट कितना आया है, कम आया है, तो इसका मतलब है प्राइस के डिक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर वो बेसिकली डिक्रीज कर गया, क्योंकि रिड्यूसिंग एरिया ज्यादा है और इंक्रीजिंग एरिया कम है। तो क्यों फर्क आया दोनों में, क्योंकि दोनों की इलास्टिसिटी का फर्क है। ये जो फ्लैट है इसके अंदर जब आप प्राइस को डिक्रीज कर रहे हो तो फ्लैट, यानी अब मैं लेट मी राइट डाउन ऑल ऑफ दिस ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए इसके ऊपर। एक मिनट, आई नीड सम प्लेस स्पेस। या सो व्हाट एक्चुअली इज के मेरे पास क्या है, व्हेन स्लो डिमांड इज फ्लैट इंप्लाइज लेस स्लो इंप्लाइज हाई इलास्टिसिटी इंप्लाइज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। सही है ना, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है जब प्राइस गोन डाउन, फिर डिमांड इज स्टीप इंप्लाइज हाई स्लोप इंप्लाइज लो इलास्टिसिटी इंप्लाइज डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन प्राइस डिक्रीज। ठीक है, तो क्या नजर आया कि प्राइस के डिक्रीज करने से दोनों में प्राइस डिक्रीज हुई हुई है। अगर तो आपके पास हाई इलास्टिक डिमांड फंक्शन है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, और प्राइस के डिक्रीज करने से अगर लो इलास्टिक डिमांड फंक्शन है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा और इसमें डिक्रीज करेगा। सो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, कब, जब डिमांड फंक्शन इज इलास्टिक, और टोटल एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज व्हेन डिमांड फंक्शन इज इन इलास्टिक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये हमने टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड फंक्शन का लिंक पता कर लिया। इसी तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखो तो बेसिकली क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर भी हम इसे कहते हैं और इसको हम टोटल रेवेन्यू भी कहते हैं। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या चीज होती है, रेवेन्यू होता है कि जब जब सेलर मार्केट में किसी प्रोडक्ट को सेल करता है एक सर्टन प्राइस पे, तो कितने यूनिट्स है, सपोज उसने प्राइस जो है वो 10 रुपए पे उसने एक यूनिट सेल किया तो उसने कितने पैसे कमाए, दैट इज 10 रुपीज। अगर उसने 10 रुपए पे 2 यूनिट सेल किए तो उसे 20, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, ये सिर्फ ये होता है कि कितने पैसे अर्न किए जब आप किसी चीज को मार्केट में सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है, ये इसकी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये टोटल रेवेन्यू है। तो जिस तरीके से अगर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू है, तो दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि इफ डिमांड फंक्शन इज इलास्टिक, मतलब फ्लैट, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, फ्लैट, देन क्या है, देखो इलास्टिक में क्या है, डिमांड फंक्शन इलास्टिक में प्राइस के डिक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन प्राइस इंप्लाई इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, और इसका ऑपोजिट कर लो, इंक्रीज इन प्राइस इंप्लाई डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। या कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन डिमांड इज इलास्टिक। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस मूव्स इन सेम डायरेक्शन व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमने सारा अभी डिस्कशन किया उसमें हमने क्या क्या किया है, पहले हमने डिमांड की स्लोप को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा है, फिर हमने इलास्टिसिटी का तरीका सीखा है, फिर हमने टोटल इलास्टिसिटी की वैल्यूज, इलास्टिसिटी की वैल्यूज ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, 0 और इन्फिनिटी, इन सारों को हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा जो हमने इसमें किया है, नंबर 4, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी 0 के साथ, चौथा है लिंक ऑफ इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, एंड पांचवी जो चीज़ हमने की है इसके अंदर वो की है लिंक ऑफ इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू।
ठीक है, और इसको हमने नंबर से भी कर सकते हैं, ग्राफ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट जो एक रह गया है इसके अंदर वो ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर कि एक जो चीज़ रह गई वो है मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड फंक्शन। ठीक है जी, डिमांड फंक्शन को तो आप अच्छे से जानते हो सबसे। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को। तो यूटिलिटी क्या चीज़ होती है? यूटिलिटी इज बेसिकली द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन यू डिराइव बाय कंज्यूमिंग समथिंग। सेटिस्फेक्शन को अगर हम मैयर कर सके तो उसको यूटिलिटी कहते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने ये यूटिलिटी यूज़ किया तो उसे टू यूटाइल्स, यूटिलिटी को जो है यूटिलिटी यूटाइल्स में मैयर करते हैं। टू यूटाइल्स, 10 यूटाइल, 15 यूटाइल्स, एक तरीका ये होता है कि नंबर्स बताएं, और दूसरा होता है कि जी हाई यूटाइल्स लेस यूटाइल्स, यानी ऑर्डरिंग करते हैं, नंबर्स नहीं इंपॉर्टेंट है। तो बट एनी वेज वी गेट यूटिलिटी वंस वी कंज्यूम एनी थिंग। तो वो वॉट इज वेन देन वॉट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज, मैं आपको बताती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि वंस यू कंज्यूम वन मोर यूनिट, एक चीज आप कंज्यूम कर रहे हो ऑलरेडी, आपने उसका फिर एक अगला यूनिट लिया। जैसे कि सपोज करो कि आप पेप्सी पी रहे हो, आपने एक बॉटल पी, फिर उसके बाद आपने दूसरी बॉटल पी, तो टोटल बॉटल्स आपने पी दो, लेकिन देन द यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल एंड द यूटिलिटी फ्रॉम द सेकंड बॉटल इज एड अप विल गिव यू टोटल यूटिलिटी। लेकिन इफ आई एम इंटरेस्टेड टू नो के वंस यू आर टेकिंग एन एडिशनल बॉटल ऑफ पेप्सी हाउ मच एडिशनल यूटिलिटी यू आर गेटिंग। तो एडिशनल का मतलब है कि वंस यू आर चेंजिंग द यू नो क्वान्टिटी ऑफ समथिंग हाउ मच चेंज इन यूटिलिटी इज टेकिंग प्लेस। So basically it is defined as additional utility from an additional unit। इसको ऐसे define करते हैं कि हर नया unit जो आपने लिया उसकी कितनी utility आपने derive की है। तो जनरली क्या होता है कि सपोज करो कि अगर आपने जैसे रोज़ा रखा हुआ है, जब आपने रोज़ा खोला आपको पानी का पहला ग्लास जो मिलता है उसकी सेटिस्फेक्शन के बारे में थिंक अबाउट दैट सेटिस्फेक्शन यू गेट, और फिर जब आपको अगला ग्लास फिर अगला ग्लास फिर अगला ग्लास, सो यू वुड फाइंड के द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट ग्लास कंजम्पशन इज नॉट बींग अटैच विद द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच यू विल गेट वंस यू टेक द सेकंड वन एंड द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। पांचवें भी जाके तो मेरे ख्याल में कुछ मसला ही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशनल यूटिलिटी जो आप करते हो, एडिशनल यूटिलिटी को अब मैं जो है बार बार एडिशनल यूटिलिटी नहीं बोलूंगी, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आप डिराइव करते हो बाय द कंजम्पशन ऑफ सम कमोडिटी, इट गोज डाउन, इट कीप्स ऑन गोइंग डाउन। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है। अब आ जाए जरा डिमांड फंक्शन के ऊपर कि इसका डिमांड फंक्शन से क्या ताल्लुक है। तो डिमांड फंक्शन जो है वो भी क्या बता रहा है कि आप किसी कमोडिटी को, लेट्स से अगर यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पे कमोडिटी है, एज यू कीप ऑन कंज्यूमिंग एडिशनल एंड एडिशनल यूटिलिटी यूनिट, यहाँ पे जीरो था, यहाँ वन है, यहाँ टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, तो एवरी एडिशनल यूनिट जो है यहाँ पे जो आपकी मतलब कंजम्पशन, यहाँ पे सपोज करो एक लेवल आपने ले लिया, आपने पहला यूनिट यूज किया और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सपोज करो कि इतना था, दूसरा आपने कंज्यूम किया तो आपको कम यूटिलिटी मिलेगी। तो क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी है वो कॉन्सेप्चुअली वो नीचे जाती है। तो थियरी क्या कहती है, क्योंकि एडिशनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी गो कीप ऑन गोइंग डाउन एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ समथिंग, तो आप क्या करते हो कि अगर इसकी मतलब आपके लिए अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो रही है। अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है तो हम क्या करते हैं कि हम उसका एडिशनल यूनिट जो है उसको लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, यानी वी एक्चुअली आर विलिंग टू पे लेस फॉर इट। तो आपने देखा होगा कि डिमांड फंक्शन नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप होने का क्या मतलब है, क्योंकि उसके पीछे ये भी स्टोरी है कि इस यूनिट के लिए आप इतनी हाई प्राइस क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि आपको इस वाले यूनिट को कंज्यूम करने की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई है, दूसरे वाले यूनिट को कंज्यूम करने की क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम है, नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू पे लेसर, और इसकी तरह अगला जो यूनिट आप ले रहे हो वो उससे कम यूटिलिटी दे रहा है, तो इवन लेस यू पे। तो जो नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन है उसमें एक और फैक्ट जो है वो इट्स हिडन फैक्ट इन इट के यू आर इंक्लाइन टू पे लेस बिकॉज
एवरी नेक्स्ट यूनिट विच यू कंज्यूम गिव्स यू लेसर यूनिट ऑफ मार्जिन यूटिलिटी एंड दैट्स वाई द पे प्राइस यू आर विलिंग टू पे फॉर इट इज लेस. सो दैट्स वाई डिमांड फंक्शन इज नेगेटिव स्लोप. सो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि वाई डिमांड फंक्शन इज नेगेटिव स्लोप, तो आप क्या जवाब दे सकते हो? बिकॉज द एडिशनल यूनिट द कंज्यूमर वॉन्ट्स टू पे फॉर द नेक्स्ट यूनिट इज लेस. एडिशनल प्राइस द कंज्यूमर वॉन्ट्स टू पे इज लेस बिकॉज एडिशनल यूनिट हैविंग लेसर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन. एंड रिमेंबर कि आपने जब ये वर्ड यूज करना है, आपने मार्जिनल का वर्ड जरूर यूज करना है, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द मार्जिनल यूटिलिटी, नॉट द टोटल यूटिलिटी. ओके, सो वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, जो कि रह गया था इसमें से. अब लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन लेट मी फिनिश इट. वो है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट जो है वो, ये भी डिमांड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. तो डिमांड फंक्शन जो है वो नेगेटिव स्लोप है. आपको पता है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज करती है, यू कंज्यूम मोर एंड मोर मोर, ये पुरानी बात हो गई. इसमें इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है? होता क्या है कि बेसिकली डिमांड में तो यही चीज है कि प्राइस के डिक्रीज करने से यू आर इंक्रीजिंग कंजम्पशन, यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो वॉट इज हैपनिंग, प्राइस इज गोइंग डाउन एंड क्वांटिटी डिमांड इज गोइंग अप एवरीवेयर. ठीक है ना? तो ये जो प्राइस जब नीचे जाती है, तो इसके अंदर दो चीजें छुपी होती हैं. एक को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये हो क्या रहा है? ये इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट. ठीक है, प्राइस इफेक्ट आपके सामने है. ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये क्या है? ये पॉइंट प्राइस वन थी, लेट्स से प्राइस ये पांच थी, ये चार थी, ये सपोज करो वन है, ये टू है. तो मतलब क्या हुआ कि प्राइस जब कम हुई तो आपने कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया. ये जो इंक्रीज है ना वन से लेके टू तक, इस पूरे को कहते हैं, इस पूरे सेगमेंट को कहते हैं, ये है प्राइस इफेक्ट. तो ये जो प्राइस इफेक्ट होता है, ये बेसिकली दो चीजें इसके अंदर छुपी हुई होती है. ये है प्राइस इफेक्ट, और इस प्राइस इफेक्ट के अंदर दो चीजें हैं. वो क्या है? एक है इनकम इफेक्ट और एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट क्या है भाई? प्राइस के डिक्रीज होने से दो बातें होती है, दुनिया में दो बातें होती हैं. जब प्राइस किसी चीज की डिक्रीज होती है ना, तो क्या होता है कि लेट्स से ये जो कमोडिटी है, ये है पेप्सी. ठीक है, अब अगर ये तो पेप्सी की प्राइस कम हो गई. अब जब पेप्सी की प्राइस कम हो गई, तो हम क्या देखेंगे कि मार्केट में इसके कौन कौन से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. तो सब्स्टिट्यूट कौन कौन से? कोक है. तो क्या हुआ कि पेप्सी और कोक पहले एक ही प्राइस पे थे, और अब पेप्सी की प्राइस कम हो गई है, तो पेप्सी कोक से सस्ती हो गई. तो लोग क्या करेंगे? सपोज टू लोग इस तरह से कर रहे थे कि एक बंदा जो है वो दिन के सपोज चार पेप्सी की बोतल पीने का आदी है. तो वो जब देखेगा, और उसके लिए कोई मतलब उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो दो कोक ले ले और दो पेप्सी ले ले. ठीक है जी, या एक कोक और तीन पेप्सी ले ले, या तीन कोक और एक पेप्सी ले ले. ठीक है, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है. टोटल जो है वो चार होना चाहिए, टोटल चार होना चाहिए. लेकिन कब? जब प्राइस दोनों की सेम थी, सेम प्राइस थी. लेकिन अब क्या हो गया? प्राइस सस्ती हो गई है. प्राइस सस्ती हो गई है किसकी? पेप्सी की. तो वो क्या करेगा? वो कहेगा, वाओ, द सब्स्टिट्यूट ऑफ कोक विच इज पेप्सी फॉर विच आई एम टॉकिंग हैज गॉन चीपर. तो वो क्या करेगा कि वो कोक पीना छोड़ के पेप्सी पीना बढ़ा देगा. तो वाई ही इज इंक्रीजिंग, क्या हुआ? प्राइस ऑफ पेप्सी गोज डाउन. इससे क्या हुआ? पेप्सी इज अट्रैक्टिव. वाई? बिकॉज इट इज चीपर एज कंपेयर्ड टू इट्स सब्स्टिट्यूट. ठीक है जी, अगर वो कब चीप हो गई अपने सब्स्टिट्यूट से, तो क्या करेंगे आप? यू डिक्रीज कोक एंड यू इंक्रीज पेप्सी. सो पार्शियल जो इंक्रीज आया है, ये जो ऊपर जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला जो हम कह रहे हैं वन से लेके टू तक, ये जो भी हमारा इंक्रीमेंट आया क्वांटिटी डिमांड में, एक वजह उसकी क्या है कि वो अपने सब्स्टिट्यूट से कमोडिटी सस्ती हो गई है. सो इन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ समथिंग मेक्स इट चीपर एज कम्पेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट, एंड पीपल इंक्लाइन टू कंज्यूम मोर ऑफ दैट कमोडिटी बिकॉज नाउ दिस इज चीपर एज कम्पेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सो वॉट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ समथिंग विद अ डिक्रीज इन प्राइस because now that commodity is cheaper as compared to its substitute, and this is called substitution effect. दूसरी चीज होती है कि जब किसी चीज की प्राइस कम होती है,
तो लेट्स से अगर आपके पास इनकम थी 100 रुपये और प्राइस ऑफ पेप्सी जो थी वो 10 थी, सारे पैसे अगर आप पेप्सी पे लगाते तो आप कितने यूनिट पेप्सी के ले सकते थे? आप ले सकते थे 10 यूनिट्स, ठीक है जी, 10 पेप्सी आप पी सकते थे। लेकिन अब उसकी प्राइस कम हो गई है, तो सपोज करो पेप्सी की प्राइस जो है ना वो 5 रुपये की हो गई है। अब आप पेप्सी कितनी ले सकते हो? अब आप पेप्सी अगर 5 रुपये में लो तो 20 ले सकते हो, है ना। और लेकिन अगर आप सपोज 10 ही यूनिट खरीदना चाहते हो, तो अब उन 10 यूनिट को 5 रुपये पे, पहले 10 यूनिट 10 रुपये में खरीदने में 100 रुपये लगते थे, अब उन्हीं 10 यूनिट को 5 रुपये में खरीदने में, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस, आपको 50 रुपये लगते हैं। तो अगर आप 10 यूनिट लेते हो, नाउ यू कैन बाय 10 यूनिट्स इन 50 रुपीज, रुपीज 50, तो कितने पैसे बच गए आपके पास? सो यू हैव 100 माइनस 50, पैसे एक्स्ट्रा आ गए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो ये बेसिकली क्या कहते हैं कि अब आप इन 50 रुपयों की भी अगर पेप्सी लो तो आप 20 यूनिट्स ले सकते हो। सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज कॉल्ड, एक चीज होती है उसको कहते हैं नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम, और वो का मतलब है मनी इनकम जो कि 100 रुपये है, ठीक है। लेकिन एक होती है रियल इनकम, रियल इनकम का मतलब ये होता है कि हाउ मच कमोडिटीज यू कैन बाय फ्रॉम दैट नॉमिनल इनकम यू आर हैविंग। पहले रियल इनकम थी 10 यूनिट्स ऑफ पेप्सी और अब रियल इनकम है 20 यूनिट्स ऑफ पेप्सी। तो जब भी किसी चीज की प्राइस डिक्रीज करती है, आपकी नॉमिनल इनकम तो वही है लेकिन रियल इनकम इंक्रीज कर जाती है। तो रियल इनकम के इंक्रीज करने से द पर्सन फील्स रिचर एंड देन ही इज एबल टू बाय मोर, तो इसको कहते हैं रियल इनकम इफेक्ट। सो रियल इनकम, व्हाट इज रियल इनकम इफेक्ट? रियल इफेक्ट व्हेन, मतलब व्हाट इज रियल इनकम इफेक्ट? रियल इनकम इफेक्ट इज व्हेन प्राइस गोज डाउन रियल इनकम गोज अप एंड यू इंक्रीज कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज रियल इनकम इफेक्ट। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है कि जब कोई चीज जो है सस्ती हो जाती है तो वो अपने सब्सटीट्यूट से भी सस्ती हो जाती है, तो लोग सब्सटीट्यूट छोड़ के इसकी कंजप्शन को बढ़ा देते हैं, इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो गाइज वी आर डन विद दिस चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। मैं आपके सामने एक दफा रिव्यू करती हूँ इस चैप्टर को कि क्या रह गया है और क्या हो चुका है। सो ये हमारा डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है, मूव ऑन, ये देखो ये बिजनेस वीक से फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड फंक्शन, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये है डिमांड का लॉ, ये व्हाट इज सेक्शन वन, व्हाट इज, ये देखो ये डिमांड का चैप्टर है, चैप्टर 4 इसका सेक्शन है व्हाट इज डिमांड, और ये हमने सारे कॉन्सेप्ट इसमें से कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये डिमांड मार्केट डिमांड ऑल इज डन, फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, ये शिफ्टर्स जो थे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एंड ऑलरेडी इट्स इजी टू वर्क विद। उसके बाद आगे चलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट, वी आर डन, डिमांड इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक, ये एक्सपेंडिचर टेस्ट ये भी मैंने आपको बता दिया, टोटल एक्सपेंडिचर टेस्ट ये भी बता दिया, ठीक है। और फिर ये क्या है, ये जरा देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरा बड़ा कर देती हूँ। ये देखो ये क्या है, टाइप ऑफ डिमांड, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस जो है और चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो क्या बात हो रही है, ये देखो सब में हमने प्राइस को डिक्रीज किया हुआ है तीनों तरह की, लेकिन अगर चेंज इन एक्सपेंडिचर, अगर तो आपकी कमोडिटी जो है वो इलास्टिक डिमांड वाली है तो प्राइस के डिक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसी तरह से अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो डिक्रीज करने से प्राइस के वो डिक्रीज होगा, और अगर वो यूनिट इलास्टिक है तो प्राइस के डिक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया नहीं चेंज होगा, इनफैक्ट जितना रिडक्शन आएगा ना उतना ही इंक्रीज आ जाएगा। तो ये कोई इतनी ये वाला केस यूनिट इलास्टिक वाला, जितना डिक्रीज है उतना इंक्रीज है, ये हरा वाला जो है वो डिक्रीज है और ये जो ये वाला है ना पोर्शन ये इंक्रीज है। तो ये एग्जाम्पल भी आपके सामने, ये सामने तो ये आप देख सकते हो, ये है डिटर्मिनिंग इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू, ये भी मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी मतलब वो कौन सी चीजें हैं, ये नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट इलास्टिक होती है या अन इलास्टिक होती है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो प्राइस के डिक्रीज करने से आप बिल्कुल ही उसको कंजम्पशन को बहुत हाई रिस्पॉन्स करोगे और आप बिल्कुल ही कंज्यूम करना छोड़ दोगे, और वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो आप उसकी कंजम्पशन को बहुत कम डिक्रीज नहीं कर सकते, ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते। अब ये पहली तो चीज़ है कि नेचर ऑफ द कमोडिटी मेक्स इट कि वेदर द प्रोडक्ट वुड बी इलास्टिक और इनइलास्टिक, अगर कोई लग्जरी है तो वो इलास्टिक होगी, मतलब जरा सी भी प्राइस बढ़ी और आपने फॉरन कंजम्पशन को ह्यूजली डिक्रीज कर लिया, और अगर वो कमोडिटी नेसेसिटी है तो जो मर्जी प्राइस होती रहे आपको वो खरीदनी है जैसे मेडिसन, तो नेचर ऑफ कमोडिटी वेदर इट्स अ नेसेसिटी और लग्जरी डिटर्मन्स वेदर द कमोडिटी वुड बी इलास्टिक और इनइलास्टिक। दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिसके ऊपर आपका कितना इनकम कंज्यूम होती है, जैसे सॉल्ट ले लो और इसके कंपेरिजन में ऑयल ले लो,
सपोज करो ऑयल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और सॉल्ट बहुत चीपर प्रोडक्ट है, तो अगर जो है द पोर्शन ऑफ द इनकम विच इज कंज्यूम्ड ऑन द बाइंग ऑफ पर सॉल्ट इज 0.00001 सपोज कर लो, बहुत थोड़ा सा 2 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का सॉल्ट का पैकेट आता है, तो उसकी प्राइसेस अगर थोड़ी सी 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए बढ़ भी जाती है तो आप ज्यादा बॉदर नहीं करते। तो इसका मतलब है कि यू डोंट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन प्राइस इफ द सॉल्ट प्राइसेस हैज गॉन डाउन, बिकॉज सॉल्ट इज टेकिंग अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ योर इनकम। तो ऐसी प्रोडक्ट इनइलास्टिक हो जाती है, इसलिए नहीं कि वो नेसेसिटी है या कोई, इसलिए कि आपकी इनकम का बहुत थोड़ा पोर्शन इस पे यूज हो रहा है। लेकिन जिस कमोडिटी पे आपकी इनकम का एक ह्यूज पोर्शन यूज हो रहा है, जैसे कि रेंट है, फॉर एग्जांपल घर का रेंट है, तो आप अगर आपको रेंट बढ़ जाता है तो फिर डेफिनेटली वो फिर आपको ज्यादा आप उसपे रिस्पॉन्ड होंगे, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट की जिसकी ऊपर इनकम ज्यादा खर्च, जैसे ऑयल है, अगर वो एक्सपेंसिव हो जाता है तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, यू वुड रिड्यूस इट। तो रिस्पॉन्स ज्यादा कम डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का कितना पोर्शन उस पे कम होता है। तीसरा ये होता है कि कैसी कैन द परचेज भी डिलेड, ये लिखा हुआ है ना, ये वही है कि इलास्टिक हो, अगर लग्जरी होगी तो आप कर सकते हो डिले, और अगर नेसेसिटी होगी तो आप डिले नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा है आर द एडिक्यूट सब्सिट्यूट अवेलेबल, जिस प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं, अगर वो चीज चीप एक्सपेंसिव हो जाए आप फॉरन उसकी कंजम्पशन डिक्रीज करोगे, तो आप यू रिस्पॉन्ड मोर, दैट इज इलास्टिक। सो मोर सब्सिट्यूट अवेलेबल मोर इलास्टिक यू आर, एंड लेस सब्सिट्यूट अवेलेबल लेस इलास्टिक यू आर। उसके अलावा फिर और कौन सा फैक्टर है, डज द परचेज ऑफ द यूज लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये हो गया। इसके अलावा अब ये टेबल चेक कर लें आप कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी इफ येस इलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये सारे प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, और यहाँ पे ये फैक्टर्स जो लिखे हुए थे ना कि जो डिटर्मिनेंट्स थे कि क्या उसका परचेज डिले हो सकता है, क्या वो सब्सिट्यूट अवेलेबल है, क्या वो आपकी इनकम का मेजर पोर्शन यूज करता है, और फिर क्या टाइप ऑफ कमोडिटी बनेगी। तो पहला सवाल ये है कि अगर फ्रेश टमेटोज और कॉर्न एंड ग्रीन बीन्स, अगर इनकी बात की जाए, फ्रेश टमेटोज कॉर्न और ग्रीन बीन्स, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, तो पहला सवाल क्या है, कैन द परचेज भी डिले, यस, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसके हम परचेज ना करें तो हम रह नहीं सकते, यस। और एडिक्वेट सब्सिट्यूट अवेलेबल, यस, हर चीज़ का इसमें सब्सिट्यूट अवेलेबल है। क्या ये इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन लेती है, नो। तो हमें पता है कि कोई चीज़ इलास्टिक होती है अगर हम उसकी परचेज को डिले कर सकें, कोई चीज़ इलास्टिक होती है अगर उसके सब्सिट्यूट अवेलेबल हो, और वही चीज़ इलास्टिक होती है जब उसकी जो इनकम का बड़ा पोर्शन यूज़ नहीं करती। तो हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो कैटेगरी लिखी हुई है ये इलास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से टेबल सॉल्ट, इसमें भी आपने इन्हीं तीनों को आंसर करना है, एंड देन यू विल गेट टू नो कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। इसी तरह से सारे ये टेबल को आपने देखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन ये हो गया है, और आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी कॉपी मेंटेन करनी है। मैं एंड ऑफ द सेमेस्टर पे ये नोट्स कलेक्ट करूंगी और उसके 10 मार्क्स हमने रखे हुए, जितने भी मैं लेक्चर दे रहे हैं मुझे ये वेल रिटन लेक्चर्स चाहिए आखिर में, ठीक है। ये साथ साथ मेंटेन करें लेक्चर्स अपने। तो ये विजुअल समरी आ गई, चेंज इन डिमांड, ये सारे के फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो शुरू में मैंने बताए थे, ये उसी तरह का टेबल है जो पीछे हमने डिस्कस किया था। असेसमेंट एक्टिविटीज जरा देख लिया करो, उसमें क्वेश्चंस होते हैं ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है जी। और कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स खुद भी दे दूंगी तो वो भी आपको हेल्प करेंगी। तो वी आर डन एक्चुअली विद द चैप्टर नंबर 4, अभी तक चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिमांड के ऊपर था। और इफ यू रिमेम्बर, तो अगर आपको यहाँ से देख लें टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल, छोड़ दो ये टाइम जाया होगा, तो ये टेबल चैप्टर 4, 5 और मेरे ख्याल में 6 है जो कि हमारा माइक्रो के अंदर रिक्वायर्ड था, जिसमें से 4 मैं कर चुकी हूँ, 5, 6 करेंगे तो ये माइक्रो खत्म हो जाएगी। आज हमारा जो डेट है वो है जी 2nd of December, और ये हमारा 6th week चल रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि 7th वीकेंड पर या 8th week के स्टार्ट पे आपका मिड टर्म होगा, तब तक हमारा माइक्रो का पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा। तो गेट रेडी फॉर द मिड टर्म, और क्विज जो है वो आपका मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अभी आपको वहाँ पे अनाउंसमेंट में देती हूँ, क्योंकि वीडियोज आप देखते नहीं हो समटाइम, तो आपका ये अनाउंसमेंट रह जाती है, एंड देन यू आस्क अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।